गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब सेंड करियर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेबी के बारे में। तो सेबी से जो रिकमेंड आया है वो टोटली ऑफिसर ग्रेड ए का पोस्ट है। तो ऑफिसर ग्रेड ए का जो पोस्ट है वो टोटली असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। तो यहाँ पे कौन सा पोस्ट है और कितने वैकेंसीज है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस जीके जीआई का नॉलेज चाहिए तो इस चैनल में भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नया नया जीके और जीआई का नॉलेज भी मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सेबी से जो रिक्रूटमेंट है, एक्चुअली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जो रिक्रूटमेंट है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद ही आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। सेबी आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेबी से 120 पोस्ट है जिनमें आप देख सकते हैं जनरल है, लीगल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च के है, ऑफिशियल लैंग्वेज के है। तो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है, फ्रेशर सर्च में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट है 18 से 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज लिमिट है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर रहेगा वो टोटली आपको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मेड ऑफ सिलेक्शन सेल बी 3-स्टेज प्रोसेसिंग। फेज वन के लिए आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन देना होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स पेपर का, और 2 पेपर्स देना होगा 100 मार्क्स का, और मतलब 100 मार्क्स ईच, मतलब हर एक पेपर के लिए 100 मार्क्स आपको देना होगा। फेज टू में ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा, या फिर देखिए क्लोजिंग 2 पेपर्स, फिर से 2 पेपर्स देना पड़ेगा 100 मार्क्स ईच, और उसके बाद फेज थ्री में आपको इंटरव्यू देना होगा। मतलब 2 बार आपको रिटन टेस्ट देना होगा, 4 पेपर का, और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। तो सिलेक्शन का सॉरी एप्लीकेशन का जो फीस है वो करीबन करीबन 1000 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 100 रुपीज़ है। तो सैलरी जो पैकेज था वो कुछ भी चार्जेस नहीं है, सॉरी सैलरी पैकेज यहाँ पे दिया गया नहीं है, सिलेक्शन होने के बाद ही आपको पता चलेगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो जनरल के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री, लॉ डिग्री पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लीगल के लिए बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से कुछ क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको 2 साल का ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना भी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको पास आउट होना चाहिए। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश एज वन एज द सब्जेक्ट, आपका जो बैचलर डिग्री का जो क्वालिफिकेशन है संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स हिंदी, इस तरीके से कुछ क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एडुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स। 25th जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसका प्रोसीड्योर यहाँ पे दिया गया है, तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से अप्लाई करता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीड्योर दिखाने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो जब नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का सारी जानकारी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना होगा। जब अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए पूरा जॉब का डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर में क्लिक करना होगा, तो न्यू रजिस्टर में आप क्लिक करेंगे, इस बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे 6 स्टेप दिया जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, आपका डिटेल्स एंड प्रीव्यू करके देखना होगा, उसके बाद अपडेट्स करना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको फिल कर देना होगा। तो इस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ फिल कर देंगे तो आपको फाइनल एप्लीकेशन हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जॉब की सारी जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।